2000 में डीटीएच अलाउ किया गया पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसमें जो ऑपरेटर्स थे उनको अपने 8 स्टेशन सेट करने के लिए 12 महीने का टाइम दिया गया, और जो लाइसेंस उनको $2.14 मिलियन के लिए 10 ईयर्स के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। इसके बाद 2001 में टाटा ने अपनी टाटा स्काई डीटीएच सर्विस लॉन्च की, 2001 में सॉरी 2000 में इनकॉर्पोरेट हुआ, और उन्होंने अपने सर्विस 2006 में लॉन्च की, और उसके बाद फिर क्या है टाटा स्काई फर्स्ट टाइम डीटीएच सर्विस अपनी स्टार्ट किया इंडिया। अब उसके बाद फिर क्या है, देखिए डीटीएच का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन, मतलब क्या है आधा घंटा वेट हो गया। जो भी प्रोग्राम है वो डायरेक्ट डायरेक्ट डीटीएच प्रोवाइडेड हो, हमारे घर तक ये सारे प्रोग्राम उपलब्ध हैं। हम क्या होते हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम थ्रू सैटेलाइट हमारे डायरेक्ट घर तक, इसमें बीच में किसी की कहीं भी कोई भी भूमिका नहीं है। यह एक ऐसा ट्रांसमिशन का मोड है जो ब्रॉडकास्टर और व्यूअर के बीच में एक डायरेक्ट मोड प्रोवाइड करता है। ये देखिए एक स्क्रीन पे जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसमें देखिए ये प्रोग्रामिंग सोर्स से डायरेक्ट सैटेलाइट को और सैटेलाइट से डायरेक्ट आपके घर को, जहाँ भी आपने अपना कनेक्शन किया हुआ है वहाँ तक के डायरेक्ट प्रोग्राम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी केबल के आपके घर तक ये पहुँचा देते हैं। अब आइए क्या है इसके बारे में कुछ जानते हैं कि डीटीएच के बेनिफिट, डायरेक्ट टू होम के बेनिफिट्स क्या है। सबसे बेहतरीन क्या है, हाई क्वालिटी पिक्चर एंड साउंड ओवर ए लार्ज एरिया ट्रांसमिशन, बहुत बड़े एरिया में ट्रांसमिशन में होता है, और इसकी क्वालिटी पिक्चर की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर और साउंड आती है। सेकेंड आपका क्या है, ये रिमोट एरियाज में भी डीटीएच की पहुँच है। सपोज एक बार आप एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कि यदि आप किसी सुदूर बहुत रिमोट एरियाज में बैठे हुए तो वहाँ तक केबल वाला डिस्क वाला अपना केबल तो प्रोवाइड नहीं करते, परंतु क्या है जब हम सेट टॉप बॉक्स रिमोट एरियाज में लगा देते हैं तो हम क्या है डीटीएच के कवर में आ जाते हैं, अपना प्रोग्राम विदाउट किसी एनी प्रॉब्लम के हम अपने प्रोग्राम को देख सकते हैं। और सेकेंड थिंग क्या, थर्ड थिंग क्या कि डीटीएच प्रोवाइड इंटरेक्टिव टीवी सर्विस। सपोज क्या है कि जो केबल में उपलब्ध नहीं है, केबल चैनल में उपलब्ध नहीं है, हम डायरेक्ट क्या है मूवी, हमें मूवी ऑन डिमांड या मूवी में आ जाने तक हमारा एडवर्टाइज करें डेवलप हो गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम जो भी इंटरेक्टिव मतलब क्या है हम जो रिस्पॉन्स करना चाहते हैं टीवी के लिए, कि हाँ ठीक है भैया मुझे ये ऑन डिमांड ये सब हो सकता है, इसलिए मूवी का बैक सब हो गया भैया ठीक है, और सबसे मेन बात टाटा स्काई इस सब में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, और हम बिना किसी रिकॉर्ड के आनंद लेते हैं। पे फॉर द चैनल ऑफ वन चॉइस गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बना दिया, और उसी के अकॉर्डिंग पे करते हैं और अपने मनपसंद चैनल का डीटीएच सिस्टम को ऑन। अब आप जानते हैं ब्रॉडकास्ट सेंटर, अब देखिए इसमें क्या है, जब आगे हम डीटीएच सिस्टम के बारे में चलते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ब्रॉडकास्ट सेंटर होता है, ब्रॉडकास्ट सेंटर करना क्या है, क्योंकि विदाउट ब्रॉडकास्ट सेंटर यदि हम अर्थ पे हैं तो अर्थ स्टेशन के अंदर क्या ब्रॉडकास्ट सेंटर होते हैं। ब्रॉडकास्ट सेंटर क्या करते हैं, ये जितने भी चैनल्स हैं, जितनी भी आपके चीज हैं या जितने भी चैनल्स हैं, बल्कि
ना तो उसकी गुणवत्ता में कोई कमी हो पाती है, इसलिए का मतलब जो हम पिक्चर्स भेज रहे हैं या जो भी हम आपको वीडियोस भेज रहे हैं और ऑडियो में, इसमें किसी प्रकार की कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी डीटीएस सिस्टम प्रोवाइडर हैं उन प्रोग्राम को आपस में लेते हैं और क्या है, कन्वर्ट द प्रोग्राम कॉन्टेंट टू हाई क्वालिटी डिजिटल स्ट्रीम। उनको क्या करते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के डिजिटल स्ट्रीम को क्या है चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाटा होता है, बिग डाटा होते हैं, तो इसको नेचुरली क्या है कंप्रेशन, इसको कंप्रेस किया जाता है MPEG टू वीडियो कंप्रेशन फॉर्मेट में, वो सर एक्सपर्ट टू MPEG टू। अभी सारे के सारे जितने भी डीटीएस प्रोवाइडर्स हैं वो MPEG टू फॉर्मेट में काम कर रहे हैं और वो इसी वीडियो कंप्रेशन फॉर्मेट में और उसके बाद क्या है ये आपके प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या है कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इनको इनकरप्ट करना, मतलब क्या है इनको क्या है सिक्योरिटी प्रदान करना। तो ये क्या है ब्रॉडकास्टर सेंटर वाले इनकरप्टेशन डाटा यूजिंग NDS न्यूज सर्विस के अकॉर्डिंग क्या है इसको इनकरप्ट करते हैं, मतलब इसकी सुरक्षा करते हैं। और उसके बाद क्या है, ये जब सारा का सारा सिस्टम एक पैकेट बन जाता है जिसके ऊपर सिक्योरिटी का कवर होता है और उसके बाद फिर क्या है उसके अंदर क्या है हाई क्वालिटी के डिजिटल बीम क्या है वो वीडियो MPEG टू फॉर्मेट कंप्रेस की जाती है, तो वो इठा मतलब इस पूरे टोटल पैकेट को सैटेलाइट को बीम करता है, सेंड करता है। अब क्या है देखिए, अब ब्रॉडकास्टर सेंटर के बाद क्या है, ब्रॉडकास्ट सेंटर पे हमारा सारा का सारा टोटल डाटा अब गया, यहाँ ब्रॉडकास्ट सेंटर ने ऊपर सैटेलाइट को भेज दिया। अब आगे क्या है, सैटेलाइट्स को क्या प्रोसेस करना है वो देखिए, आगे सैटेलाइट का क्या काम है। सैटेलाइट के बारे में पहले आइए, नेचुरल और मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स और रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, वो नेचुरल या आदमी के द्वारा बनाया हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट वो क्या है प्लैनेट के अराउंड चारों ओर रिवॉल्व करते हैं वो सैटेलाइट। अब आगे सैटेलाइट के बारे में क्या है, या तो इसको रॉकेट के द्वारा और इसको रॉकेट के द्वारा स्पेस में लॉन्च किया जाता है एक फिक्स ऑर्बिट में और एक फिक्स डिस्टेंस पे और वो रिवॉल्व करता है। ये क्या है एक डिजायर्ड जिस पॉइंट पे हम चाहते हैं उस पॉइंट पे इसको क्या है पोजीशन किया जाता है, वो आगे अभी आगे आने वाली स्लाइड में आपको पता चलेगा कि डिजायर्ड पॉइंट का मतलब क्या है। सैटेलाइट का पथ क्या है वो ऑर्बिट के चारों ओर क्या है ट्रेवल कंटेन्स। अब एक सैटेलाइट में क्या क्या होना चाहिए, इसमें देखिए ट्रांसपांडर है, सोलर पैनल्स है, चार्जेबल बैटरीज है, मतलब पावर बैकटन के लिए और बूस्टर बैकटन के लिए। अब देखिए टाटा स्काई या अदर जितने भी डीटीएस सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इनसेट 4A के थ्रू ही क्या है प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कराते हैं। ये इनसेट 4A का एक पिक्चर दिया हुआ है, ये प्लेस एट 83 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे और इसमें 12 KU बैंड जो टाटा स्काई के द्वारा बुक किए गए हैं और 12 सीमेंट ट्रांसपॉन्डर है और इन सारे ट्रांसपॉन्डर की बैंडविड्थ 36 मेगाहर्ट्ज़। ये देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है कि आप इसी से देखते हैं ईवी पैनल देंगे सारे के सारे जो भी एक सैटेलाइट होते हैं ये के परफेक्ट। आगे देखिए इनके बारे में कि देखिए क्या है ये कैसे ऑर्बिट में मतलब पृथ्वी के कारण 36,000 किलोमीटर पे ये ऑर्बिट में कैसे ये चक्कर लगा रहे हैं। देखिए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट होती है, मतलब क्या है जियोस्टेशनरी का ऑर्बिट होने का मतलब क्या होता है कि ये ठीक अर्थ के ऊपर जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करती है उसी स्पीड से ये सैटेलाइट रोटेट करते हैं। ये देखिए सैटेलाइट एट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट ट्रैवल्स एट द सेम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थिंग स्ट्रक्चर व्हेन इट फ्रॉम द अर्थ, मतलब क्या है कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में ऑर्बिट के अकॉर्डिंग ये सैटेलाइट मूव करते हैं और उसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं जिससे हमारा अर्थ मूव करता है। इससे जब भी हम क्या है अर्थ से सैटेलाइट की ऊपर तरफ देखते हैं तो ये बिल्कुल स्टेबल दिखाई देता है। ये देखिए जस्ट आपका ये दिखाई पड़ रहा है ये स्लाइड में, देखिए जैसे जैसे क्या जिस स्पीड से हमारी अर्थ मूव कर रही है उसी स्पीड से ये देखिए हमारा सैटेलाइट भी मूव कर रहा है, इसीलिए हमको आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लिए ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में सारी वर्टिकल लाइंस हैं, ये मतलब इसके बारे में देखिए इक्वेटर लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये सारी बिल्कुल इस फोटोग्राफी करते शो किए गए। और आगे देखिए क्या है इस पूरे ग्लोब में
मतलब जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सैटेलाइट देखिए ये इंस्टॉल किए गए हैं, ये देखिए इसमें एक ये पूरा इसमें क्लियर शो किया, देखिए इंसेंट स्टोरी देखिए किस हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर पे इंस्टॉल किया गया है, और ये देखिए आगे और भी चीज़ें हैं, और ये देखिए जितना जहाँ जहाँ पे क्या है जिस जिस पोजिशन पे सेटेलाइट शो किए गए हैं, सेटेलाइट इंस्टॉल किए गए सारा का सारा टोटल किया है। अब देखिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि एजिमेथ और एलिवेशन कोऑर्डिनेट। जब भी हमारे टाटा स्काई का जो या किसी भी डीटीएस सिस्टम प्रोवाइडर का जब भी डिश इंस्टॉल किया जाता है तो वहाँ पर उसे एक खास एंगल की जरूरत होती है, वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल। तो हॉरिजॉन्टल एंगल जो सेट किया जाता है उसको हम एजिमुथ बोलते हैं, और जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं उसको हम एलिवेशन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या है कंपोनेंट्स ऑफ द डीटीएच। अब देखिए डीटीएच सिस्टम में किस किस कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है ये सारी की सारी देखिए हो रही है। नंबर एक मिनी डिश सबको पता है, इसके बारे में आगे हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड आपका एलएनडीएफ होता है, थर्ड आपका कोएक्सियल केबल होती है, और फोर्थ आपका कनेक्टर होता है, और उसके बाद टीजी काम जिसको हम लोग जानते हैं सेट टॉप बॉक्स कहते हैं। टीजी काम क्या है डीटीएच के नॉमिनेचर है इसको हम टीजी काम। अब देखिए कंपोनेंट्स में क्या है ये देखिए कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं मिनी डिश एलएनडीएफ टीजीकॉम कोएक्सियल केबल एंड एफ टाइप कंप्रेशन कनेक्टर ये आपस में कैसे सेट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिनी डिश है उसका ये एलएनडीएफ है और ये RG6 केबल है, IF इनपुट आ रहा हुआ है, फिर यहाँ से क्या है आपको केबल है AV केबल है एंटीना RF है वीडियो ये सारी की सारी केबल्स हैं, और ये क्या है आपका एक टोटल जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये असेंबल्ड फॉर्म में हैं, इसी के अकॉर्डिंग ये असेंबल किए जाते हैं। अब चलिए हम आपके फर्स्ट कंपोनेंट जो आपका है ये मिनी डिस्क के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ए डिवाइस टू इंटरसेप्ट द सिंगल ट्रांसमिट सैटेलाइट एंड रिफ्लेक्ट इट टू कॉमन पॉइंट कॉल्ड फोकल पॉइंट। ये मिनी डिस्क वो डिवाइस है जो सैटेलाइट से जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होकर के आता है उसको वो इंटरसेप्ट करता है और एक कॉमन फोकल पॉइंट पे उसको वो रिफ्लेक्ट करता है जहाँ पे पूरा भी जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है सैटेलाइट से वो पूरा का पूरा क्या है सेंट्रलाइज होकर के उसी पोजीशन पे जाके अटैक्ट होता है। अब इस कंडीशन में देखिए क्या है एलएनबीएफ माउंटेड सेंट्रली एट द फोकस, मतलब क्या है एलएनबीएफ जो हमारा है वो इसके फोकस पे माउंट होता है और जो भी सिग्नल्स होते हैं वो बहुत सारे जो भी सिग्नल्स आते हैं वो एलएनबीएफ के द्वारा इसमें ब्लॉक किए जाते हैं। ये एक्चुअली क्या है प्राइम फोकस एंटीना जो बड़े एंटीना के बारे में है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब एक छोटा एंटीना जो हमारे घर में यूज होता है उसके बारे में है, ये मिनी डिस ऑफसेट एंटीना जिसमें क्या होता है एलएनबीएफ जो है उसको हम सेंट्रली माउंट नहीं करते हैं और ये क्या है ये सिग्नल के पाथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। डिस डायामीटर इज स्मॉल, डिस डायामीटर 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होता है और एंगल मोर टुवर्ड हॉरिजन पर फोकस डिस, मतलब क्या होता है इसका कि जो एंगल होता है वो हॉरिजन की तरफ ज़्यादा होता है और लोअर में कम होता है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर होता है। तो अक्सर करके क्या है जहाँ जहाँ भी यूज़ किया जाता है ये मिनी डिस मतलब छोटे छोटे एंटीनास डीटीएस सिस्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑफसेट एंटीना। अब आते हैं हम एलएनबीएफ की तरफ। एलएनबीएफ सबसे मेन आपका कंपोनेंट है, इसका मेन फुल फॉर्म क्या है लो नॉइज ब्लॉक डाउन कन्वर्टर फीड हॉर्न। इसका मेन फंक्शन क्या होता है ये मिनी डिश से सिग्नल को कलेक्ट करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलरिटीज बीच में स्विच करता है और क्या करता है क्योंकि देखिए सैटेलाइट से जो रिसेप्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज की फ्रिक्वेंसीज होती हैं। एलएनबीएफ उसको क्या है
रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद एक ब्लॉक की फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करके उसके बाद उसको लोअर फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। लोअर फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या है, ये आगे इसको आगे फर्दर कनेक्टर के थ्रू सेट टॉप बॉक्स को भेजा जाता है। इट इज प्लेस एग्जैक्ट द फोकल पॉइंट ऑफ द मिनी डिश। इसको क्या है, क्योंकि ये पैराबोलिक आकार का एंटीना होता है, और पैराबोला के बारे में सभी लोग आप लोग जानते हैं कि इसके किसी भी पैराबोलिक कोई भी पैराबोला है तो उसका टोटल क्या है, जो भी रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो उसका फोकल पॉइंट होता है। तो इसी के लिए एलन बी एफ को मिनी डिश एंटीना के फोकल पॉइंट पे एग्जैक्टली प्लेस किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि देखिए, इसका एक डाटा भी है कि यदि 10 गीगाहर्ट्ज है तो उस कंडीशन में क्या 1/4 मतलब उसका फोकस का लॉस हो जाता है, लगभग लगभग जिसको कहते हैं 1 dB तक होता है। ठीक है, ओके। ये देखिए LNBF क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक बगल में फिगर दी हुई है जहाँ पे देखिए क्या है, LNBF जैसे पैरा जो पैराबोलिक एंटीना है उसके ठीक एक्चुअली उस पे फोकल पॉइंट पे ये प्लेस किया गया है। और LNBF क्या है, ये टू बैंड्स 10.7 to 11.7 एंड 11.7 to 12.7 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करता है। मींस क्या है, ये 20 kHz सिग्नल के बीच में स्विचिंग करता है LNBF। ओके, और हम आगे फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हेलो, हाँ कुछ प्रॉब्लम हमारी, हेलो हेलो, स्लाइड में प्रॉब्लम सारी है, आगे बढ़ नहीं रहा है शेयरिंग में। लेट्स, हाँ ये देखिए LNBF की कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जो स्क्रीन पे आ रहे हैं। इनपुट फ्रिक्वेंसी रेंज ये 10.7 से 11.7 गीगाहर्ट्ज़, ये लो बैंड में होता है, और ये 11.7 टू 12.75 गीगाहर्ट्ज़ जहाँ हाई बैंड के लिए होता है। लोकल ऑसिलेटर रेंज इसमें देखिए लो बैंड के लिए 9.75 गीगाहर्ट्ज़ होता है, हाई बैंड के लिए 10.7 गीगाहर्ट्ज़ होता है। इसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी रेंज देखिए कितना होती है, 950 मेगाहर्ट्ज़, और 1100 से लेकर के 2150 मेगाहर्ट्ज़ हाई बैंड। ये देखिए ये LNBF का यदि टेक्निकल स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो देखिए क्या है, इसमें इनपुट फ्रिक्वेंसी जो सैटेलाइट से जो आ रही है फ्रिक्वेंसी वो देखिए गीगाहर्ट्ज़ की है, और LNBF उसको कन्वर्ट करता है देखिए लो बैंड और हाई बैंड के लिए अलग अलग मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी में। तो इसमें देखिए क्या है, और एक कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, देखिए लो बैंड के लिए वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल जो लिखा हुआ है ये पोलराइजेशन है, ये अभी के नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन क्या होता है और इसका क्या मतलब है। इसमें देखिए क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स ये 11.5 से 14 वोल्ट DC तक होना चाहिए, और ये 16.0 से लेकर 19.0 DC वोल्टेज होना चाहिए। ये लो बैंड के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन का वोल्टेज होता है, और हाई बैंड में यदि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन करना है तो इसका वोल्टेज 11.5 से लेकर के 14 पॉइंट तक होता है, और 16.5 से 19.0 तक होता है। अब एक देखिए क्या है, LNBF में क्या है, यदि 20 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज दे दिया जाए तो क्या होता है, LNB प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और नेचुरली क्या LNB डिस्ट्रॉय हो सकता है। और जहां तक इसकी मिनिमम वोल्टेज की बात है तो मिनिमम वोल्टेज 10.5 से यदि कम वोल्टेज होगा तो भी LNB प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ये कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं LNBF के लिए। अब देखिए ये कुछ फिगर्स हैं जो LNB KU बैंड में जो अभी यूज किए जा रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है यूनिवर्सल LNB। यूनिवर्सल LNB क्या करता है, ये देखिए अक्सर करके ये एक्चुअली सिंगल
यूनिट के लिए होता है, तो ये अक्सर करके क्या है मैक्सिमम जगह पे इसी का यूज किया जाता है जहाँ पे एक सिंगल मतलब सिंगल कनेक्शन होना होता है। कहीं कहीं पे ये होता है किसी किसी फैमिली उन लोगों को दो कनेक्शन लेना होता है तो वहाँ पे ट्यून एल एन भी यूज़ होता है। और कुछ ऐसे जहाँ घर में बड़ी फैमिली है तो वहाँ पे क्वाड एल एन भी यूज़ होता है, और क्वाट्री एल एन भी अभी तक तो मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। अब देखिए ये यूनिवर्सल एन एल बी जो हम लोग अक्सर करके हमारे हर घर में मैक्सिमम घरों में क्या है डी टी एस सिस्टम में प्रयोग करते हैं, यूज फॉर द सिंग एच डी यू, एच डी यू का मतलब सिंगल डवेलिंग यूनिट, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम करंट क्या होनी चाहिए 150 एम्पियर होनी मिली एम्पियर होनी चाहिए। आपका ट्विन एल एन बी ट्विन इंडिपेंडेंट आउटपुट, उसमें दो आपके अलग अलग आप सेट टॉप बॉक्स चला सकते हैं उसमें फिर टू सेपरेट डीजी कैम्स, मतलब क्या है कि यदि इसको आप लगवाते हैं तो आप दो सेट टॉप बॉक्स इंडिपेंडेंट रूप से यूज कर सकते हैं इसमें। अब आपका क्वाड एल एन बी है ये भी क्या है इसमें क्या है हम चार अलग अलग सेट टॉप बॉक्स चला सकते हैं और सारे सेट टॉप बॉक्स का अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रोल होते हैं। क्वाट्रो एल एन बी ये एक्चुअली क्या होता है जहाँ पे किसी बहुत बड़े कैंपस में या जहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और जहाँ पे एक से मतलब जहाँ पे चार से अधिक कनेक्शन देने होते हैं वहाँ के लिए क्वाट्रो टाइप के एल एन बी यूज किए जाते हैं। ये इसमें क्या है देखिए एक चीज़ वर्ड लिखा होगा ना यूज ओनली फॉर द एम डी यू, तो यूज ओनली फॉर द एम डी यू का मतलब होता है मल्टी डवेलिंग यूनिट, मतलब क्या होता है ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा चार से अधिक कनेक्शन की आवश्यकता होती है। और इसमें देखिए क्या होता है एच पोलराइजेशन लो बैंड एच पोलराइजेशन हाई बैंड, इसमें क्या होता है ये देखिए क्या है नंबर ऑफ कनेक्शन के लिए होता है जितने भी क्या है एक्सपेंशन के लिए। तो क्वाट्रो एल एन बी मतलब अक्सर करके अभी तक तो मैं एक बिल्डिंग में देखा हूँ मुंबई के एक बिल्डिंग में वहाँ पे उन्होंने क्या है इसका क्वाट्रो एल एन बी इस्तेमाल किया हुआ है। अक्सर करके क्या है यूनिवर्सल एल एन बी और ट्विन एल एन बी ही यूज किए जाते हैं। अब आते हैं हमारे कंडक्टर के ऊपर, इसमें देखिए क्या है कोएक्सल केबल, इसके लिए जो क्या है ट्रांसमिशन के लिए फ्रॉम आपके पैराबोलिक एंटीना या डिस एंटीना से ले करके और आपके सेट टॉप बॉक्स से होते हुए जो भी केबल इस्तेमाल की जाती है वो कोएक्सल केबल होती है। ये देखिए कोएक्सल केबल का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें, इसमें क्या है ये देखिए ये कितने एक दो तीन चार पाँच पाँच पार्ट में है और हर पार्ट का इसका एक अलग अलग फंक्शन है। इसमें सबसे पहले देखिए क्या है सबसे बीच में सेंटर कंडक्टर होता है मेन जो सिग्नल्स ले जाने ले आने का काम होता है, डाइइलेक्ट्रिक फिर बॉन्डेड एल्युमिनियम फॉल सील एल्युमिनियम ब्रोडेड सील और सैकेट। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि इसका केबल केबल की टाइप क्या होनी चाहिए ये RG6 और RG11 है। अब उसके बाद देखिए क्या है हम आगे नेक्स्ट आते हैं सेंटर कंडक्टर के ऊपर कि सेंटर हर जितने भी इसमें पांचों पार्ट दिए हुए हैं पांचों की अपने अपने अलग क्वालिटी अलग अलग फंक्शन है। ये सेंटर कंडक्टर कॉपर क्लैड स्टील का बना होता है, स्ट्रेंथ इसकी हायर होती है और इकोनॉमिकल होता है। जो डाई इलेक्ट्रिक होता है ये वाटर को सील्स करता है और उसके बाद फिर क्या है प्रोपोगेट IF सिग्नल इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी सिग्नल को प्रोपोगेट करने में मदद करते हैं। अब जो आउटर कंडक्टर जो फॉयल के फॉर्म में होता है ये क्या होता है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को 100% शील्डिंग देता है और ये हाई फ्रिक्वेंसीज की स्क्रीनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। ये डाइलेक्ट्रिक को बाउंड करता है, मतलब क्या होता है कि मल्टी बैंड परफॉर्मेंस और SRL, इस SRL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर रिटर्न लॉस, मीन्स यदि कभी आपने केबल को मोड़ दिया मोड़ने के बाद फिर दोबारा ज्वाइन किया उन सब के लिए ये क्या है बिल्कुल बेहतर होता है। फॉयल इंक्रीज शील्डिंग परफॉर्मेंस, शील्डिंग परफॉर्मेंस को ये फॉयल क्या होता है बढ़ाता है। अब ब्रेड, ब्रेड फॉर द लो फ्रिक्वेंसीज की स्क्रीनिंग के लिए होता है, ये 60% कवर होता है। और सबसे लास्ट में आपका जैकेट होता है, मीन्स क्या होता है इसका एक कवर कवर जस्ट लाइक ये वाटर से प्रोटेक्ट करता है एक तो, और नंबर दो बात क्या है कि इन पर कोई मैकेनिकल शॉक्स होता है उसे प्रिवेंट करता है। ये एक मोटी प्लास्टिक की कवर होती है जस्ट लाइक ए केबल का कवर, ठीक है ओके। अब कोएक्सल केबल में देखिए अभी अब कुछ चीज़ें मैंने अभी की थी कि व्हाट इज SRL स्ट्रक्चरल रिटर्न लॉस, ये क्या होता है कि हम केबल को क्या करते हैं एक बार फोल्ड करते हैं एक बार फिर हम उसको
क्लियर करते हैं, वायर करते हैं, मतलब बिछाते हैं, स्ट्रेट करते हैं, या हम इसको एक बार क्या है फिर मूव करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि अंदर का जो कंडक्टर्स है और अदर जो चारों के चारों आइटम्स हैं उनमें कुछ चेंजेस आता है। तो इसी को क्या है स्ट्रक्चरल रिटर्न लॉस इसी को बोलते हैं। ये मतलब क्या हो जैसे स्टीम हैंडलिंग रफ, मतलब बहुत बुरी तरह से आपने केबल को मतलब हैंडल किया, या बाइंडिंग ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन के समय आपने क्या है बहुत टाइट आपने इसको बाइंड कर दिया, या आप इस पे क्या है कि जब इस केबल पे यदि आप क्या है कोई क्लैम्प बांधते हैं इनको आपस में टाइट करने के लिए, तो क्लैम्प से भी क्या है क्लैम्प चूंकि प्लास्टिक का इंसर्ट होता है तो उस पर आप क्या है पुश करते हुए क्या है कभी कभी केबल क्या है दब जाता है। तो ये इन सब कंडीशन के लिए देखिए इसका एक फिगर दिखाया होगा, इंस्टॉलेशन ऑफ द केबल क्लैंप्स विच पिंच आर स्लाइटली डिफॉर्म द केबल, ये देखिए केबल आपकी क्या है डिफॉर्म हुई हुई है। तो इस कंडीशन के लिए क्या है जो भी होता है इसका एक यही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्ट्रक्चर रिटर्न लॉस। ठीक है, बैंड रेडियस टाइटर देन स्ट्रेसमेंट मिनिमम, किंकिंग ऑफ द केबल्स, केबल देखिए किंक हो जाती है, देखिए सेकंड में ये केबल आपकी देखिए किंक हुई हुई है। पुअर इम्प्रॉपर कनेक्टाइजेशन होता है, मतलब क्या है कि यदि हम इसको आपस में कनेक्टर से ज्वाइन कर रहे होते हैं तो क्या है प्रॉपर कनेक्टाइजेशन नहीं होता है, मतलब प्रॉपर कनेक्टर नहीं फुल होता। ये देखिए जो आपके अभी सामने स्क्रीन पे आया हुआ है कि इसमें इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर कनेक्टाइजेशन। तो इस कंडीशन में क्या हमें SRL की जरूरत होती है। SRL एक बहुत ही केबल का इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है कोएक्सियल केबल का। अब देखिए क्या है टाइप्स ऑफ द कंप्रेशन कनेक्टर्स, इसमें केबल्स और इक्विपमेंट को क्या है ये कनेक्टर क्या है एक तरह से मीडिएटर का काम करते हैं, मतलब इक्विपमेंट जैसे आपका जो सेट टॉप बॉक्स है उसको क्या है पैराबोलिक एंटीना जो हमारा डिश एंटीना है उससे हम कोई वायर ले आ करते हैं और ले आ करके क्या है उसको यदि हम सेट टॉप बॉक्स से हमें कनेक्ट करना है तो डायरेक्ट हम केबल तो उसके ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इसी के लिए क्या है हमें इस तरह के केबल की आवश्यकता होती है स्पेसिफिक टाइप ऑफ केबल। ये देखिए इसमें क्या है ये RG6 और RG11 टाइप के कंप्रेशन कनेक्टर चॉइस होते हैं, ये RG6 और RG11 दोनों ही इसमें देखिए दिए हुए हैं। एक्चुअली होता क्या है जब कोई भी टेक्नीशियन जब इंस्टॉलेशन करने के लिए आता है DTS सिस्टम का, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या होती है 60% प्रॉब्लम रिलेटेड कंप्लेंट्स जो होती हैं वो बैड कैरेक्टराइजेशन, मतलब क्या है बैड कनेक्टर, मतलब कनेक्टर को आपस में प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाते केबल से सेट टॉप बॉक्स को, क्योंकि ये बहुत स्पेशल टाइप का कनेक्टर होता है और जो क्या है कि केबल के साथ इसको बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स के लिए चाहिए। जो यदि थोड़ा सा भी इम्प्रॉपर कनेक्टराइजेशन हुआ मीन्स प्रॉपर सिग्नल आपके सेट टॉप बॉक्स तक नहीं पहुँचेगा और हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब देखिए लास्ट में आपका जो सबसे मेन जिसको हम सेट टॉप बॉक्स बोलते हैं ये DGCOM, इसको हम DTH की लैंग्वेज में DGCOM बोलते हैं, प्रोसेसेस द रिसीव्ड सिग्नल इनटू फॉर्म शेड्यूल फॉर इंटरफेसिंग टू ए कन्वेंशनल TV सेट और स्टीरियो इक्विपमेंट। ये रिसीव्ड सिग्नल जो भी सैटेलाइट से रिसीव सिग्नल होते हैं उसके थ्रू आता है इस पे हमारे सेट टॉप बॉक्स पे, तो इस सेट टॉप बॉक्स के क्या है ये क्या ये सिग्नल्स टोटल क्या है हमारे जो भी एप्लीकेशन इक्विपमेंट्स चाहे TV हो चाहे स्टीरियो हो या कोई भी चीज हो उस तक ये क्या है पहुंचाता है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें देखिए एक टिपिकल मतलब एक सेट टॉप बॉक्स में क्या क्या होता है, पावर सप्लाई, नेचुरली विदाउट पावर सप्लाई तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं चलेगा, सप्लाई ट्यूनर डिमॉड्यूलेटर यूनिट, वीडियो प्रोसेसिंग यूनिट, ऑडियो प्रोसेसिंग यूनिट और UHF मॉड्यूलेटर। अब देखिए क्या है आपके पास क्या है इसमें सेट टॉप बॉक्स में आप लोग पीछे एक कार्ड डालते होंगे, इस कार्ड को डालने के बाद ही हमारा सेट टॉप बॉक्स क्या है इनिशिएट होता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू करता है। ये जब तक आप कार्ड नहीं डालेंगे तब तक क्या है ना आपकी ID शो होगी ना आपका ये पता चलेगा, एक तरह से क्या है आपकी एक ID होती है सेट टॉप बॉक्स की। अब देखिए ब्रॉडकास्ट पैरामीटर्स, अभी जो मैं आपको बात कर रहा था पोलराइजेशन के बारे में कि ब्रॉडकास्ट पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए, इसमें देखिए एक पोलराइजेशन है, सिंबल रेट है, फॉरवर्ड एरर करेक्शंस हैं आपके, ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें क्या है एक एक आपको हम पोलराइजेशन के बारे में बताते हैं। पोलराइजेशन का मींस क्या होते हैं कि बैंड स्पेस के बेस्ट यूज के लिए हम क्या है सिग्नल्स को पोलराइज करते हैं। ये देखिए इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें एक इसमें क्या है वर्टिकल पोलराइजेशन है,
और आपका क्या है हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है। तो देखिए वाई एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में है, मींस क्या है कि जब वर्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्टिकल होती है तो उस समय क्या होता है वो वर्टिकल पोलराइजेशन होता है, और जब आपका क्या है आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड हॉरिजॉन्टल होती है तो आपका हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड वेव होता है। ये देखिए दोनों ही बिल्कुल फिगर में क्लियर दे रखे हैं, और एक्स डायरेक्शन में आपका वर्टिकल है और वाई डायरेक्शन में आपका हॉरिजॉन्टल है, और आपका डायरेक्शन आप प्रोपेगेशन मतलब वेव के चलने की दिशा आपकी क्या है जेड डायरेक्शन में है। तो ये एक्चुअली क्या है हमारे चार ब्रॉडकास्ट पैरामीटर का सबसे इम्पोर्टेंट पोलराइजर एक पैरामीटर है। रेन स्नो और इवन रेन फाइल्ड क्लाउड्स पासिंग ओवर हेड, हाँ रेन फेड, देखिए हाँ इसका रेन फेड के बारे में बताना चाहूंगा कि रेन फेड होता क्या है। रेन स्नो और इवन रेन फील्ड क्लाउड्स पासिंग ओवरहेड कैन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द इनकमिंग सिग्नल। हाँ आप लोग देखिए क्या है कि जब कभी कभी भी आप लोग क्या है ये चीज देखते होंगे आप लोग कभी कभी कि हाँ बाहर रेनी सीजन चल रहा है और बारिश वगैरह आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो भी सैटेलाइट सेटअप बॉक्स एक सिग्नल आना होता है आपके ड्यू टू रेनी सीजन क्या है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, प्रॉपर रिसेप्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये एक तरह से क्या होता है कि सैटेलाइट और डिश के बीच का कनेक्शन बारिश की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है जो इनकमिंग सिग्नल्स है या तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है या पूरा का पूरा क्या है वो नहीं पहुंच पाता है हमारे सिस्टम पे। ओके स्क्रीन शेयर इज नॉट प्रॉपर वर्किंग, ओके जस्ट हाँ तो ये देखिए क्या है कि जैसे इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है मींस क्या होता है कि बाहर कुछ कहीं ऐसी लिमिटेशंस है जहाँ पे हमारा सेटअप बॉक्स मतलब डायरेक्ट टू होम सर्विस बहुत ज़्यादा और उसके बाद फिर क्या है कि हेलो सर आर यू ट्राइंग टू से समथिंग, ओके हेलो मैडम 2 or 3 slides सर आई हैव जस्ट मैडम आगे बढ़ नहीं रहा है, मतलब मैं इसका जो आगे बढ़ाने वाला सिस्टम है ना ये आगे बढ़ नहीं रहा है, एक मिनट मैं चलिए मैं देखता हूँ मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम है मैडम हाँ सेकंड देखिए रेनफेड में और देखिए टोरेंशियल डाउनपोर्स कैन लोअर द लेवल ऑफ इनकमिंग क्यू बैंड सैटेलाइट सिग्नल जिसमें सेवल डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सिग्नल एवं इंटरप्टेड रीजन इंटायरली, मतलब टोटल का टोटल क्या है कि ये सिग्नल पूरा का पूरा उसकी रिसेंटिटी बहुत ही लो हो जाती है और इस कंडीशन में हमें क्या है कि प्रॉपर क्या है रिसेप्शन नहीं हो पाता है। अब उसके लिए क्या है देखिए क्या इसका रीजन हो सकता है, यूज अ लार्जर एंटीना दैट वुड बी रिक्वायर्ड अंडर क्लियर स्काई कंडीशन, इनक्रीज इन एंटीना अपर्चर गिव्स द सिस्टम सेवरल डीबी ऑफ द मार्जिन, और उसमें देखिए क्या है एक लास्ट आपका है सोलर इंटरफेरेंस, सोलर जब आपका सूर्य ग्रहण वगैरह लगता है उस कंडीशन में भी क्या है थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा प्रॉपर रिसेप्शन नहीं हो पाता है। अभी देखिए आपका मॉड्यूल एंड हो गया और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो डीटीएच के लिए बहुत ही बेहतर होगी,
और कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें, देखिए डीटीएस में एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन है, उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें कवर करनी थी हमने। अब चूंकि इसमें क्या है, देखिए जो KU बैंड है उसमें अपलिंकिंग के लिए जो हम फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल करते हैं वो 13.75 से लेकर के 14.56 GHz तक होती है। अपलिंकिंग मींस क्या होता है कि जिस स्पीड से ब्रॉडकास्ट सेंटर सैटेलाइट को बीम करते हैं, प्रोग्राम को बीम करते हैं, और डाउनलिंकिंग मींस सैटेलाइट टू रिसीवर, डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इनकी 10.95 to 11.20 GHz होती है, मतलब ये। और उसके बाद फिर क्या है, देखिए इसमें एक स्पेशल और है, वीडियो इनकोडिंग। जब कोई भी प्रोग्राम बीम हो जाता है, बीम हो जाने के बाद जब इसको हम भेजते हैं, तो चूंकि क्या होता है बीम के अंदर क्या होता है, हमें वीडियो कंप्रेशन फॉर्मेट यूज़ करना होता है। तो वीडियो कंप्रेशन फॉर्मेट यूज़ करने का मतलब क्या होता है, इसमें MPG4 भी चल रहा है, MPG4 डिजिटल वीडियो कंप्रेशन करने की टेक्निक्स है। तो इसमें क्या है, अभी भी जितने भी DTH प्रोवाइडर्स हैं MPG2 सिस्टम यूज कर रहे हैं, और वो क्या है QPS के मॉड्यूलेटर पे इसको यूज़ कर रहे हैं। और ओके, माय प्रेजेंटेशन इज ओवर नाउ, थैंक्स टू ऑल। आप सभी लोगों ने हमारे प्रेजेंटेशन को